मित्रों, भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता देता है और इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कई लोग भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बातें करते हैं, भारतीय संस्कृति का अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं पर, हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों पर अनर्गल प्रलाप करते हैं। इसके बाद भी कानून उनका कुछ नहीं कर पाता, लेकिन वास्तविक अर्थों में सत्य कहने वाले या फिर अपनी संस्कृति का अपमान होते हुए देखकर उसका प्रत्युत्तर देने वाले, पूरे तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखने वालों का या तो सर तन से जुदा कर दिया जाता है या फिर उन्हें पूरा जीवन छिप छिप कर बिताना पड़ता है। भारत का कानून उनकी कोई सुरक्षा नहीं कर पाता, बस मूक दर्शक बनकर देखता रहता है। नूपुर शर्मा जी हों, कमलेश तिवारी हों, कन्हैया लाल हों, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो मैं आपको दे सकता हूं। और अब इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। ये नाम आप में से कुछ लोगों ने ही सुना होगा, अधिकतर लोगों के लिए शायद ये नाम नया होगा। ये सत्य के लिए लड़ने वाले वो योद्धा हैं जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना सत्य का साथ दिया और उनके सत्य के प्रति दृढ़ संकल्प के कारण स्थिति ये हो गई है कि विधर्मी इनके पीछे पड़े हुए हैं। उनके जीवन को इतना कठिन बना दिया गया है कि उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। सबसे पहले आप उनका ये वीडियो देखिए, उन्होंने जो अपील करी है वो सुनिए, फिर हम आपको पूरी घटना बताते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। मैंने इस्लाम की कट्टरता को नकारते हुए घर वापसी की, आस्था के साथ में सनातन धर्म को कबूल किया। मुझसे इस्लाम के मानने वाले अब दुश्मनी रखते हैं क्योंकि मैंने भगवान श्री राम के मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए इसके लिए हलफनामा दिया, सुप्रीम कोर्ट में कुरान की उन 26 आयतों के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया जो सनातन धर्म के मानने वालों को काफिर कहती है, उनके जीने के अधिकारों को छीनती है, उसके लिए आवाज बुलंद की। इसलिए कट्टरपंथी इस्लामिक संगठने मेरे सर को काटने की कीमत लगाने लगी। दाऊद इब्राहिम के गुर्गे मुझे मारने आए जो दिल्ली में पकड़े गए। कट्टरपंथी मुल्ला साजिशन मेरे ऊपर मुकदमे कराते हैं ताकि मुझको ज्यादा से ज्यादा जेल में रखा जाए जहां मेरी आसानी से हत्या करा दी जाए, मुझको बेइज्जत किया जाए, मुझे मजबूर किया जाए कि मैं आत्महत्या कर लूं। जब मैं कुरान के सिलसिले में संघर्ष कर रहा था तो लखनऊ के कल्बे जवाद जो एक कट्टरपंथी मुल्ला है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वरिष्ठ सदस्य है, इस्लामिक मदरसे चलाता है, कश्मीर के आतंकियों को फंडिंग करता था, उसने साजिश करके मेरे एक ड्राइवर को जो मुसलमान था तोड़कर उसको एक मकान देकर लाखों रुपए के इनामात देकर उसको एक पल्सर मोटरसाइकिल देकर महीने की एक अच्छी रकम निर्धारित कर उसकी बीवी से मेरे खिलाफ एक रेप का मुकदमा लिखवाया जिसमें यह कहा गया कि मैंने तीन बच्चों की अम्मा से बलात्कार किया 6 महीने पहले। ना कोई बैठकर ना कोई सबूत। उसकी जांच सादतगंज के कट्टरपंथी दरोगा एसएम जैदी को दे दी गई। एसएम जैदी जो मुझसे धार्मिक दुश्मनी रखता था, मुख्तार अंसारी का भी करीब है, पुराने लखनऊ में जो मुख्तार अंसारी ने प्लाटिंग की है वहीं पर एक प्लाट पर मकान खरीद कर रह रहा है। जब मैं सनातन धर्म के लिए हरिद्वार जेल में था तो इसी दरोगा ने मेरे परिवार की औरतों को घर से मेरे निकालकर उसमें ताला डालकर चाबी थाना सादतगंज में रख दी थी जो आज भी वहीं है। मैं बेघर हो गया, मैं नहीं डरा, मैं हत्या करने की धमकियों से भी नहीं डरा, लेकिन आज मजबूर अकेला हूं, अनाथ हूं क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, मैं सनातन धर्म के सभी संगठनों महामंडलेश्वरों के दरवाजों पर गया, उनसे कहा कि भाई मेरी उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए, पुराने लखनऊ की पुलिस अपने ऊंचे अधिकारियों को गुमराह कर रही है, उनके दबाव में है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही।
सीबीआई से जांच करा दिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हालात बस से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। चौक से भेजी गई, थाना चौक से भेजी गई, थाना शहादतगंज से भेजी गई। अब तो मुझ पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम अपने सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। सब ने कहा, आश्वासन दिया कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि वो न्याय का देवता है। अगर उन तक मेरी बात पहुंचती तो आज मेरा हाल ये ना होता, मुझको भी न्याय मिलता। मैं मजबूर हूं, मेरी मदद कीजिए ताकि मेरी मौत से पहले इस्लाम के धर्म वाले अपनी जीत का जश्न ना बना पाए। मैंने एक डिटेल वीडियो सोशल मीडिया पर अपने दुख दर्द के साथ जारी किया है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा दुख दर्द सनातन धर्म का हर इंसान समझे कि मैं किन परेशानियों पे और किन मजबूरियों में था। मैं बेसहारा था, अनाथ था, मेरे साथ इस्लाम जुल्म कर रहा था। मित्रों, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी पहले मुस्लिम हुआ करते थे। उनका नाम था वसीम रिजवी। ये उत्तर प्रदेश में सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे इस्लाम की वास्तविकता जानकर इनका इस्लाम से मोह भंग हो गया। जनवरी 2018 में इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मदरसों पर बैन लगाने की मांग की थी, क्योंकि इनके अनुसार मदरसों में बच्चों को आतंकवादी बनाने का काम किया जाता है। लेकिन उनकी इस मांग से समुदाय विशेष के लोग भड़क गए और इनका सर तन से जुदा करने के लिए 10 लाख रुपए और फ्री हज यात्रा का इनाम घोषित कर दिया गया। मित्रों, इन्होंने कुरान का अध्ययन करके उसे अच्छी तरह से समझकर कुल 26 ऐसी आयतें निकालीं जो कि हिंसा को बढ़ावा देती हैं, मुस्लिमों को धार्मिक हिंसा के लिए उकसाने के लिए। साथ ही आईएसआईएस और तालिबान जैसे इस्लामिक आतंकवादी इनका निर्माण करने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए इन आयतों को ही उत्तरदायी माना और मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करी कि इन आयतों को से हटा दिया जाए ताकि समाज में शांति आ सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन उनके इस कार्य ने उनके लिए शत्रुओं की एक सेना तैयार कर दी। उनका सर काटने के लिए फिर से 11 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया। जब चारों ओर से अपने ऊपर आक्रमण होता देखा तो इन्होंने 6 दिसंबर 2021 को इस्लाम का त्याग कर दिया और सनातन धर्म अपना लिया। वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गए। लेकिन इस कार्य से इनके शत्रुओं की संख्या कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। अब तो इनको मारने के लिए, इनको जेल पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपने तो पूरा वीडियो सुना ही, आपने देखा होगा किस तरह से वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं और उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र भी लिखा है इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए। साथ ही योगी जी तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की बात भी कही है। मैं आशा करता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत के राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वो इनकी इस मांग का संज्ञान लेंगे और इन्हें न्याय अवश्य मिलेगा।